subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत। जी हां, आपको बता दूं कि अशोक गहलोत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने पहली बार एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, अशोक गहलोत ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है और किस मुद्दे को लेकर कहा है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट्स मैं आपको जरूर पढ़कर बताता हूं। उससे जुड़ी रिपोर्ट है, अशोक गहलोत ने पहली बार टिकट मांगा था, नहीं मिला और फिर आज तक नहीं मांगा। देखिए, पहली बार जब टिकट मांगा था उन्होंने, उस वक्त उन्हें नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद से ना तो उन्होंने टिकट मांगा और ना ही कोई पद। जी हाँ, ये कहना है अशोक गहलोत का। बीते कुछ दिनों पहले जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर पार्टी कहती है तो क्या आप तीसरी बार सीएम बनेंगे। इसका जवाब हंसते हुए अशोक गहलोत ने दिया कि पहली बार साल 1977 में जब उनकी उम्र 22 साल थी, तब विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट मांगा था, नहीं मिला और तब से आज तक ना तो उन्होंने टिकट मांगा और ना ही पद। ये दिखाता है अशोक गहलोत की किस तरह से अगर उन्हें एक बार में जो है टिकट नहीं मिली तो उन्होंने लोभ छोड़ दिया टिकट का और पद का। लेकिन उनको जब बीते अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और लोगों ने वहां पे उन्हें पसंद भी किया था, तो वाकई में ये दर्शाता है कि लोग उनको पसंद करते थे और इसलिए उन्होंने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। और वैसे आप बता दूं कि वसुंधरा राजे हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री। देखिए, ये खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस साल विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी। NSUI के इस युवा नेता को ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने उनकी क्षमता को पहचाना और साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला। 25 साल की उम्र में वह लोकसभा के दरवाजे पर कदम रख चुके थे। 1977, 22 साल की उम्र थी, विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा, नहीं मिला। अपना बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया और बेहतर तरीके से खुद को निखारा और 1980 जब लोकसभा चुनाव है उस दौरान उन्हें टिकट मिला और उस दौरान उनकी उम्र 25 साल थी। देखिए, अपनी बातचीत के दौरान अशोक गहलोत से दो बार पूछा गया कि वह अजमेर, अलवर और मंडलगढ़ उपचुनाव में पार्टी की जीत के बदले पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित होने की उम्मीद कर रहे थे। इसके जवाब में ही उन्होंने इन पुरानी बातों का जिक्र किया। गहलोत ने कहा, मैंने किसी भी पद के लिए पार्टी से कभी नहीं कहा। केवल एक बार 1977 में मैंने पार्टी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट के लिए कहा, लेकिन तब से मैंने कभी वापस नहीं मांगा। देखिए, उन्होंने कहा, मैं एक विधायक, MP, PCC प्रमुख, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी कई बार रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी इन पदों में से किसी के लिए पैरवी नहीं की। यानी कि उनका इतना बेहतर प्रदर्शन था, उनका इतना अच्छा प्रदर्शन था कि पार्टी ने उन्हें खुद ब खुद पद दिया और खुद ब खुद उस पर बिठाया। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत कितने कह सकते हैं कि कद्दावर नेता हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई है, पार्टी उसकी उनकी छवि से बहुत ज्यादा खुश थी। देखिए, उन्होंने कहा, अभी मैं ना तो पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार पद के लिए कहूंगा और ना ही मैं इसके लिए कोई लॉबी करूंगा। पार्टी की विचारधारा मेरे आदर्श है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देती है मैं इसे जारी रखने का कोशिश करता हूं। हाल ही में राजस्थान में लोकसभा में एक और विधानसभा के दो सीटों पर हुए
उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। चुनावी विश्लेषकों ने इसे सेमीफाइनल चुनाव करार दिया। इस जीत के साथ युवा नेता और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस पायलट की माफ कीजिएगा सचिन पायलट की जो स्थिति है मजबूत होती हुई दिख रही है। और सचिन पायलट की अगर बात करता हूं तो जब उपचुनाव हुए थे उससे पहले भी वो जा जाकर अलवर में और मांडलगढ़ में, और आपको बता दूं कि वो जा जाकर जो है लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि अगर जो है कांग्रेस जीतती है तो उनके लिए बहुत बेहतर काम होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस को जिताती है तो उनकी भविष्य के लिए सरकार बहुत बड़ा कदम उठाएगी और उनको कई समस्याओं से निजात दिलाएगी। इस सीएम की रेस की दौड़ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच जिस तरह से अनबन भी चल रही है। देखिए आपको मैं बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले सचिन पायलट जो है उन्होंने एक जनसभा रखी थी, उसमें कई नेता मौजूद थे लेकिन अशोक गहलोत नहीं आए थे। और इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि दोनों के बीच खींचातानी चल रही है और दोनों ही जो है चाहते हैं कि सीएम उम्मीदवार जो है सीएम बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही सीएम बने, उनमें से एक को बनना पड़ेगा अगर सरकार बनती है तो। लेकिन देखिए अभी से खींचातानी शुरू हो गई है और जिस तरह से खींचातानी हो रही है उससे कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। इसका फायदा जो है बीजेपी उठा सकती है और बीजेपी जो है कांग्रेस को आड़े हाथों भी ले सकती है। लेकिन देखिए जिस तरह से अगर सचिन पायलट की मैं बात करता हूँ तो सचिन पायलट की भागीदारी इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रही है। दर्शक जो है उन्हें एक युवा नेता के तौर पर भी पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो काम है या फिर जिस तरह से वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं उसको भी लोग काफी लाइटली ले रहे हैं, काफी अच्छा उसको पसंद कर रहे हैं। देखिए सचिन पायलट की बात करता हूँ तो वो एक युवा नेता के साथ साथ एक बोल दूं कि एक अच्छे उनकी छवि भी अच्छी है। हालांकि अशोक गहलोत की भी छवि अच्छी है लेकिन जो जनता है वो उन्हें एक युवा के तौर पर देख रही है सचिन पायलट को, कि युवा है और बेहतर काम करेंगे, इसलिए जो है झुकाव जो है सचिन पायलट की तरफ ज्यादा है। हालांकि अभी तक इस मामले पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है और ना ही कोई मुख्यमंत्री को लेकर आदेश आया है, लेकिन देखिए दोनों जिस तरह से दोनों की तिकड़ी जो है भिड़ रही है और दोनों ही जो है सीएम रेस में आगे दौड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि आखिरकार इस रेस में कौन जो है जीत हासिल करता है। चलिए मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से सचिन पायलट अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और किस तरह से लोगों से जा जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव से पहले सचिन पायलट लोगों से जा जाकर मुलाकात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से कांग्रेस पर भरोसा करने के लिए भी कहा था। जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करते हुए उन्हें उपचुनाव जितवा दिया। आपको बता दें इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत दर्ज हासिल कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को 3 उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत पर बधाई दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि यह जीत 2018 के लिए शुभ संकेत है। अजमेर से उपचुनाव में जीतकर निर्वाचित घोषित हुए डॉक्टर रघु शर्मा के संसद में शपथ से पहले पायलट के साथ शर्मा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। उपचुनाव में राजस्थान में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी काफी खुश नजर आए थे। राहुल गांधी ने पायलट और रघु शर्मा सहित सभी कांग्रेस जन को बधाई देते हुए कहा कि आगामी नवंबर में देश में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये शुभ संकेत है। देश की जनता भाजपा के झूठे वादे, जुमले और जन विरोधी नीतियों से उब चुकी है। राहुल गांधी ने पायलट की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट रखते हुए शानदार काम किया है। उपचुनाव में पायलट ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ जिस तरह बूथ प्रबंधन किया वह बेहतरीन रहा। उन्होंने पायलट से कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए, राजस्थान की जनता भाजपा को हरा कर सुशासन लाना चाहती है। तो देखा आपने कि सचिन पायलट किस तरह से लोगों से जा जाकर मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर भी उनकी नजर है। अगर वो पहले से ही लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें भरोसा दिलाएंगे तभी लोग जो है उन्हें वोट करेंगे, तभी लोग उन्हें समर्थन करेंगे। तो ऐसे में सचिन पायलट जिस तरह से देखे जा रहे हैं, उनकी भागीदारी देखी जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है।
और देखिए गौर करने वाली बात तो यह है कि बीते कुछ समय पहले जो है सचिन पायलट एक गांव में गए थे, ग्रामीण इलाके में गए थे, और वहां पर बैठकर जो है नीचे बैठकर उन्होंने लोगों के साथ जो है भोजन भी किया था, यानी कि लोगों के साथ खाना भी खाया था। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि सचिन पायलट किस तरह से जो है मुख्यमंत्री बनने की इच्छा में आगे दौड़ रहे हैं, किस तरह से जो है वो आगे दौड़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट कि किस तरह से सचिन पायलट सभी नेताओं के साथ नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से सचिन पायलट कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से सचिन अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए और कई तरह की रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो यही कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सचिन पायलट के साथ साथ अशोक गहलोत भी आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों के बीच जिस तरह से घमासान चल रहा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन सचिन पायलट को एक युवा नेता के तौर पर देखा जा रहा है कि उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो देखा आपने कि सचिन पायलट किस तरह से जो है नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो देखिए युवा नेता के तौर पर जिस तरह से उन्हें पसंद किया जा रहा है, तो वाकई में ये हो सकता है कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है तो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, अशोक गहलोत को नहीं। क्योंकि अशोक गहलोत जो है युवा, भले ही उनके पास एक बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ा उनके पास तजुर्बा है, लेकिन सचिन पायलट की बात की जाए तो वो एक युवा नेता के तौर पर है और वाकई में युवा नेता को लोग भी पसंद करते हैं। तो ऐसे में देखिए हो सकता है कि सचिन पायलट को जो है राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद के लिए उतारे मैदान में। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में किसको जो है मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और देखने वाली बात तो रहेगी कि जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वहां पर बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।